हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी। एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग में। फ्रेंड्स, मीठा खाने का बहुत मन करता है कभी कभी और घर में कुछ नहीं होता, तो चलिए बहुत कम सामान के साथ मिनटों में मजेदार सी मिठाई बनाकर तैयार करते हैं, जिसमें ना हमें गैस जलाना है, कोई झंझट नहीं है। 5 से 10 मिनट में ये सुपर मिठाई बन के तैयार हो जाएगी, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं अपनी मिठाई को बनाना। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इस खूबसूरत सी मिठाई को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम सामान की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, और उसके लिए मैंने लिया है एक बाउल, और बाउल में हम डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। ये 1 कप हमने मिल्क पाउडर ले लिया है। इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 कप पिसी हुई चीनी। ये हमने नॉर्मल घर में जो चीनी होती है उसे मिक्सी में डालकर पीस लिया है। 1/2 कप चीनी डाल देते हैं इसमें, और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप डेसिनेटेड कोकोनट। ये सूखा वाला नारियल का बुरादा है फ्रेंड्स, और इसको भी मैंने मिक्सी में डालकर ये देखिए बारीक पीस लिया है, जिससे जब हम बर्फी को काटेंगे तो बहुत ही अच्छी स्मूथली वो कटेगी। इसको भी इसमें डाल देते हैं। इन तीनों चीजों को अच्छे से स्पून से मिक्स कर देते हैं। पाउडर शुगर, हमारा मिल्क पाउडर और जो हमने डेसिनेटेड कोकोनट को मिक्सी में पीस लिया था वो पाउडर, तीनों चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और अब हमने लिया है यहाँ पर 1/4 कप दूध। दूध हमें एक साथ नहीं मिलाना है इसमें, हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाएंगे और इसको एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। जितना हमें दूध की जरूरत लगेगी हम उसको मिलाएंगे। हो सकता है हमें थोड़ा सा दूध और लेना पड़े, और हो सकता है कि हमारा 1/4 कप जो हमने दूध निकाला है उसी में हमारा ये डो बन के रेडी हो जाए। इसको मिक्स करते हैं और इसका डो लगा लेते हैं। उनसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम स्पून को हटा देते हैं और हाथों से इसको हम डो का शेप देते हैं। 1/4 कप हमने दूध इसमें डाल दिया था फ्रेंड्स, और ये देखिए मैंने 2 चम्मच के करीब दूध और निकाला है, और इसको भी हम इसमें डाल के मिक्स कर लेते हैं। और अब हमें लगता है कि और दूध की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इतना दूध हमारा परफेक्ट है। सकते हैं डो हमारा लग के रेडी है, और ये बहुत टाइट भी नहीं है और देखिए बहुत हार्ड भी नहीं है। अब इस डो को हम 2 बराबर के भाग में बांट लेते हैं। ये देखिए 2 बराबर के हमने भाग कर लिए हैं, एक हमने अलग निकाल लिया और एक ही हमने इसमें बाउल में ही छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक भाग में हम थोड़ा सा कलर यूज करेंगे, फूड कलर में मैं डाल रही हूँ 2-3 पिंच रेड फूड कलर। आप अपनी पसंद का कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, जो आपको पसंद हो। और इसी के साथ फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बूंद वनीला एसेंस। एसेंस भी अपनी पसंद से आप कोई भी डाल सकते हैं। आप कलर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, हमें इसको रेड कलर बनाना है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी ये मिठाई बनके तैयार होती है, और आप देख रहे हैं ना इसमें हमने गैस जलाना है, कुछ नहीं। 5 से 7 मिनट में इस बढ़िया सी मिठाई को जब आपका मन करे कुछ मीठा खाने का तो बना के आप रेडी कर सकते हैं। सकते हैं हमारा रेड कलर भी कितना अच्छा आ गया है, और डार्क करना आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कलर और मिक्स कर सकते हैं। अब हम अपने हाथों पे लगा लेते हैं थोड़ा सा घी, अच्छी से हाथों को ग्रीस कर लेते हैं घी से, और अपने ये रेड वाले पार्ट को एक लंबा सा रोल बना लेते हैं। प्लेट पे रख के बना लीजिए या कैसे भी, आपको 2 बराबर के भाग में इसको बांट लेना है। इस तरह से हम 20 से इसके 2 भाग कर लेते हैं। इस तरह से इसको लंबा लंबा सिलेंडर का शेप दे देते हैं। ये देखिए इस तरह से हम शेप दे देंगे दोनों को। ये हमने इसको सिलेंडर का शेप दे दिया है, आप देख सकते हैं। और अभी प्रॉपर शेप इसे जब हम प्लेट में सेट करेंगे तब आएगा।
और अब हम ले लेते हैं एक एल्युमिनियम फॉइल, ऐसे ले लेते हैं, ये देखिए एक प्लेट के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल को रख लेते हैं और एल्युमिनियम फॉइल को भी घी से हम ग्रीस कर देंगे। अच्छे से घी लगा दीजिए पूरे एल्युमिनियम फॉइल पर। ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर किसी पन्नी का या बटर पेपर का यूज मत करिएगा, क्योंकि अगर बटर पेपर या पन्नी आप लगाते हैं तो हमारी ये मिठाई अच्छे से इस पर सेट नहीं होगी। और अब ले लेते हैं हम अपना सिलेंडर बना हुआ एक पार्ट और इसके ऊपर रख देते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सेट कर देंगे इसको और अब हम व्हाइट वाला पार्ट लेते हैं और एक व्हाइट वाला पार्ट भी इसके बगल में सिलेंडर के जैसा बनाकर रख देते हैं। हमारा व्हाइट वाला पार्ट जो हमने अलग करके रखा था इसमें भी हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस। मिक्स करते हैं इसको भी अच्छे से और जिस तरह से हमने रेड वाले पार्ट को 2 भाग में बांट कर उसको सिलेंडर जैसा शेप दिया था उसी तरह से हम इसको भी 2 बराबर से भाग में बांट लेते हैं। ये देखिए ये हमने सिलेंडर जैसा बना लिया है और अब हम उसी प्लेट को अपने पास में रखते हैं और लगभग उतना ही बराबर आपको बनाना है। ध्यान रखिएगा कि हमको उसी के बराबर में इसको बनाना है। थोड़ा सा आप सेट कर लीजिए इस तरह से और दोनों को पास पास करके इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों व्हाइट और रेड पार्ट को बिल्कुल बराबर बराबर में रखकर सेट कर दिया है एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर और अब इसको हम लपेट देते हैं अच्छे से। बहुत ज्यादा प्रेस अभी मत करिएगा, दोनों तरफ से इसको हम लपेट लेते हैं और इसको आपको राउंड में रखना है तो आप राउंड शेप दे दीजिए, मैं थोड़ा सा स्क्वायर शेप दे रही हूं। इस तरह से आप इसको शेप दे दीजिए और साइड से एल्युमिनियम फॉइल को टॉफी की तरह जैसे होता है ना टॉफी के पैकेट्स, बस उसी तरह से इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया है और अभी हमें इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है। हम दूसरा रोल भी अपना रेडी कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमें इसका क्या करना है। तीसरी प्लेट ले लिए, उसके ऊपर भी एक एल्युमिनियम फॉइल की शीट इस तरह से रखते हैं, उसको भी घी से ग्रीस कर देते हैं जैसे हमने पहले वाली प्लेट में किया था। और अब हम अपना पहले व्हाइट वाला पार्ट रखते हैं जो हमने सिलेंडर के शेप में करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं सेम उसी तरह जैसे हमने पहले करा था इस तरह से रख देते हैं। और इस पर हम उठाकर अपना ऑरेंज वाला पार्ट भी रख देंगे सेम उसी साइज में करके। ये देखिए सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है जैसे हमने पहले करा था। ये देखिए हमने रेड और व्हाइट दोनों को रख दिया है और उसी तरीके से एल्युमिनियम फॉइल को इस पे रैप कर देते हैं। प्रेस मत करिएगा बहुत ज्यादा, दूसरी तरफ से भी कर देंगे। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स कितना इजी है। जब मन करे आपको घर में मिठाई खाने का या कुछ मीठा खाने का मन करता है तो फटाफट से इसको मिनटों में बना के आप रेडी कर सकते हैं। ये देखिए और आप देख सकते हैं हमने अपने दोनों पैकेट बना के तैयार कर लिए हैं, ये पहले वाला है और ये सेकेंड वाला है। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों पैकेट्स को हमें उठाकर अभी फ्रिज में रख देना है लगभग 15 मिनट तक। अगर आप फ्रीजर में रख रहे हैं तो 5 से 6 मिनट रख दीजिए और अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट रखिए, जिससे ये दोनों जो हमने रखे हैं ना व्हाइट और रेड वाला पार्ट वो अच्छे से आपस में सेट हो जाए और फिर हमको इनको काटने में बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए अब हम रख देते हैं फ्रिज में इसको और आपसे 15 मिनट बाद मिलते हैं। 15 मिनट के बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारी मिठाई बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई होगी। अब एल्युमिनियम फॉइल को खोल लेते हैं, बहुत आराम से इसको खोलेंगे। हमारी परफेक्ट मिठाई बिल्कुल सेट हो चुकी है और अब हम एल्युमिनियम फॉइल को इसके नीचे से निकाल देते हैं सब तरफ से। हमने दूसरा पार्ट भी देखिए निकाल लिया है एल्युमिनियम फॉइल से और अब जिधर हमारा रेड वाला पार्ट है उधर हम व्हाइट वाला हिस्सा करेंगे और जिधर हमारा व्हाइट वाला है उधर हम रेड वाला करेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर सेट कर देते हैं और ये देखिए व्हाइट के ऊपर हमारा रेड वाला हिस्सा है और इधर हमारा रेड के ऊपर व्हाइट वाला है। और अब इसको हम थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे चांदी के वर्क से। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं और ना लगाना चाहें तो आप ना लगाएं। इस तरह से चांदी का वर्क निकाल लेते हैं और इस पे हम लगा देते हैं। चांदी का वर्क हमने इस पे लगा दिया है और अब इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना बड़ा काटना चाहें काट लें।
देखिए हमारी कितनी सुंदर सी बर्फी बनके तैयार है। तो एक बार जरूर से बनाइएगा इस तरह से बर्फी को, बहुत अच्छी बनती है। और आपने देखा मिनटों में हमने बना के इसको तैयार कर लिया। तो चलिए फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।